पाँच साल से ज़्यादा केसेस में इन्वॉल्व नहीं है और जो क्रिमिनल रउडी नहीं है और जिसके ऊपर में केसेस यूआई में और पीटी में नहीं है और जो अच्छी ज़िंदगी बिता रहा उन लोगों का लिस्ट बनाओ बोल के आप बहुत बार बोले सर, वो काम आज हम लोग सक्सेस करें और 31 लोगों की लिस्ट बनाए सर। और आपको मैं एश्योरेंस दे रहा हूँ सर कि ये जो भी 31 लिस्ट आपको दिए हम ये रउडी सीट्स क्लोजर के वास्ते, ये लोग सही हैं, अच्छे हैं और आगे भी ये लोग अपना जीवन अच्छा बिताएंगे सर। और सर आप बोले हैं कि नेक्स्ट मंथ में भी, यानी तो फिर आगे मंथ में सितंबर अक्टूबर में और थोड़े सीट्स क्लोज करने के वास्ते वो भी हम लोग स्क्रूटनी करते सर। जो भी लोग अच्छे जी रहे हैं उन लोगों की फिर से दोबारा और एक 30 लोगों की लिस्ट बना के फिर आपके सामने रखूँगा सर। थैंक यू सर। 31 मेंबर्स को आज हम लोगों ने एक जिंदगी में एक नया मौका दिया है, एक नए रास्ते पर, एक अच्छे रास्ते पर, एक सच्चे इंसान बनने के रास्ते पे, एक ऐसा रास्ता जिस पे आपको ही नहीं आपके पूरे परिवार को फक्र हो, उस रास्ते पे आपके पड़ोसी भी आपको देखें तो उनके चेहरे पर खुशी आनी चाहिए, आपके घर के जो बुजुर्ग हैं, आपके कम्युनिटी के जो बुजुर्ग हैं वो भी आपको देखकर उनको फक्र होना चाहिए कि हाँ ये मेहनत करता है, मेहनत करने वाला आदमी है। तो इस विश्वास के साथ आज हम ये राउडी शीट क्लोज कर रहे हैं और मुझे यकीन है कि हमारे डिपार्टमेंट के जितने ऑफिसर इसमें काम किए हैं, सेक्टर ऑफिसर से लेके डीसीपी तक का, उनके पूरे डिसीजन का मर्यादा, उसका इज्जत आपके हाथ में है, उसको आप गड़बड़ नहीं, कभी नीचे नहीं जाने देंगे। और आज ये सलारजंग ऑडिटोरियम में ये जो 31 मेंबर्स का हुआ है, ये एक मैसेज जाना चाहिए, 31 ही नहीं, ये पूरे जितने भी लोग हैदराबाद में क्राइम किए हैं उनके जहन में ये बात होना चाहिए। गलतियां सबसे होती हैं, गलती इंसान ही करते हैं, उनको मौका मिला आप सही लाइन पे आइए, मेहनत करिए, अपने परिवार का नाम ऊपर करिए, अपने देश का नाम ऊपर करिए, मेहनत करके कंट्रीब्यूट करिए सोसाइटी के लिए कि आपने सोसाइटी के लिए क्या किया। तो मुझे पूरा यकीन है कि ये एक अच्छी शुरुआत है। हर महीने इस तरह का हम लोग करेंगे, जैसा कि हमने आपको कहा ये टू वे प्रोसेस है, एक तरफ रिवॉर्ड देना, एक तरफ पनिशमेंट देना। अगर किसी का बिहेवियर अच्छा है उसको तुरंत रिवॉर्ड मिलना चाहिए, अगर किसी का बिहेवियर खराब है उसको अरेस्ट करके तुरंत जेल भी भेजना चाहिए, दोनों चीज होगा साथ में। तो आप लोग को एक बार फिर से मैं शुक्रिया अदा करता हूं, मुबारकबाद पेश करता हूं और आपके ऊपर एक बहुत बड़ी अब जिम्मेवारी है उसका एहसास भी आपको दिलाता हूं। हमेशा आप इस एहसास को अपने साथ रखें कि आपके ऊपर दूसरों से ज्यादा बड़ी अब जिम्मेवारी है, इसको निभाएं, इसको साथ लेकर चलें। और मुझे पूरा विश्वास है कि जिंदगी में मेहनत करके बहुत कुछ हासिल किया जा सकता है, आप लोग भी जरूर करेंगे। थैंक यू सो मच। अस्सलाम वालेकुम, नमस्ते। हमारे साहब सीपी साहब जो है वादा करे थे रोडी शीटरों को जो है क्लोज करते बोल के, हम नादानी कर लिए। 17 साल से मेरा भी पीटी केस नहीं है, दोस्ताना में जाके मैं भी लड़े झगड़े में जाके आज परेशान हूँ। आज साहब जो है गॉड गिफ्ट के ऐसा आए और जो है हम वादा करे थे करते क्लोज बोल के कर दिए, अल्लाह उनको अच्छा रखे। अब हमारे साहब लोग जो है देवेंद्र साहब है, हमारे रवि साहब है, हमारे माजी साहब एस पी साहब है, कॉपरेट करे पुलिस, बहुत तकलीफ होती बच्चों को, हमारे को स्कूल को गए तो बोलते आप रउडी शीटर के बच्चे है क्या, वो है क्या, ये है क्या, बहुत तकलीफ़ होते साहब, घर पे कोई रिश्ते नहीं आते, रउडी शीटर है आप लोग ये वो बोलते। हमारे बस्ती में बदनाम करके रखे हुए आप 17 साल तक तो मेरा कोई पीटी केस नहीं है, एक मौका आया साहब दिए, एक मौका अच्छा झीलूँगा इंशाल्लाह, मेरे बच्चों के साथ अच्छी ज़िंदगी करूँगा, मेरे बच्चों को आगे चल के फ्यूचर में पढ़ाऊँगा लिखाऊँगा, लेकिन कभी ज़िंदगी में ऐसा काम मेरे बच्चों को ना करने दूँगा, ना करूँगा, ना मैं करूँगा इंशाल्लाह। साहब एक मौका दिए हुए, अल्लाह उनको अच्छा रखे, मेरे भी बच्चों की दुआ, एक नई ज़िंदगी दिए मेरे को साहब बोल के मैं जीऊँगा, अच्छा इंशाल्लाह जो है अच्छा बन के बताऊँगा मैं और मेरे बच्चे। मेरा राती मकान है साहब, मैं फलखन मकान में रहता हूँ, इंशाल्लाह जो है अच्छी ज़िंदगी करूँगा। साहब का एक मौका दिया मेरे को, नई ज़िंदगी दिए मेरे बच्चों को, नई ज़िंदगी दिए, साहब का बहुत बहुत शुक्रिया। अस्सलाम वालेकुम साहब, मैं मेरा नाम मुजाहिद है, मैं काला पत्थर का रोडी शूटर हूँ साहब, काला पत्थर का रहने वाला हूँ मैं। आज सी पी साहब बुला के शीट हम लोग की क्लोज कर रहे हैं, बहुत बहुत शुक्रिया बोलूँगा सी पी साहब को।
और अपने क्या बोलते हैं काला पत्थर इंस्पेक्टर साहब सुदर्शन साहब भी बहुत हमारी इज्जत करे साहब। 2016 में मेरा केस हुआ था साहब, लेकिन मैं उसमें कभी इन्वॉल्व नहीं था, सिर्फ फ्लॉफ कर रहा था मैं। उसमें मेरे को रेप केस के लिए बुक कर दिया गया, कभी मेरा कोई इन्वॉल्व नहीं था, कोई केस नहीं था मेरा, कभी कोई पीटी केस भी नहीं था। कमिश्नर साहब अंजनी कुमार साहब को बहुत बहुत शुक्रिया करता हूँ मैं, काला पत्थर इंस्पेक्टर सुदर्शन साहब को भी बहुत बहुत शुक्रिया बोलता हूँ मैं।